अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल की रैम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सब व्यूवर से एक गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत है, रैम एक्सपेंडर और लकी पास्चर, और एक और है जो कि मैं आपके सामने डाउनलोड करूँगा। और इसके लिए आपको एप्रोडी की ज़रूरत है। एप्रोडी यहाँ से हर पेड ऐप फ्री में मिलता है। आप अगर गूगल प्ले पे सर्च करेंगे तो रैम एक्सपेंडर पेड ऐप है और एप्रोडी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर की तरह काम करती है और यहाँ पे हर पेड ऐप फ्री में मिलते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये ऐप पेड है और मैंने इसे डाउनलोड किया है फ्री में, एप्रोडी। इस एप्लीकेशन में मैंने इसे फ्री में डाउनलोड किया है। आपने सिंपली फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको आपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और इस अब आपको चाहिए लकी पास्चर। वो भी आपको यहीं पे मिलेगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं सिंपली ओपन करूँगा, आपने यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर लेना है। और अब हमें चाहिए स्वैप फाइल। स्वैप फाइल चेक, आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि हमने स्वैप फाइल मेमोरी इन्फो को भी डाउनलोड कर लिया है। तो सिंपली हम पहले स्वैप फाइल मेमोरी इन्फो को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपने स्टार्ट रैम एक्सपेंडर टेस्ट हेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपना एसडी कार्ड क्लिक करना है और क्रिएटिंग सेव फाइल। अब हम सिंपली लकी पास्चर को ओपन करेंगे। और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है रैम एक्सपेंडर और यहाँ पे आपने क्लिक करना है मेन्यू ऑफ पाच और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है रिमूव लाइसेंस वेरिफिकेशन और यहाँ पे आपने ऑटो मोड सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अदर पाच सेलेक्ट करना है और इसको अनसेलेक्ट करना है ऑटो मोड को और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। और यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक करना है और अब आपने अपना रैम एक्सपेंडर ओपन करना है। याद रखिए इन सब प्रोसेस के लिए आपका मोबाइल रूट होना ज़रूरी है। अगर आपका मोबाइल रूट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना मोबाइल रूट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओपन हो चुका है और सिंपली हमने ओके पे क्लिक करना है और यहाँ से हमने इसको ऑप्टिमम वैल्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम अपना एसडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे, ओके। और यहाँ पे हम जितनी रैम चाहें उतनी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे स्वैप एक्टिव पे क्लिक करना है आपने और यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपनी रैम इंक्रीज कर ली है।
आपको मैं दिखाता हूँ कि इस रैम की फाइल कहाँ पे है। आप ये देख सकते हैं कि हमने 3 GB रैम अपनी इंक्रीज कर ली है। आपको जब भी अपनी रैम चेक करना होगी तो यहीं से ही आप देख सकते हैं कि इसकी 2 GB रैम है और अभी जो हमने इंक्रीज़ की है वो 3 GB रैम इंक्रीज़ की है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।